सो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पे। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। गाइस, वीडियो की टॉपिक आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम अपना यूएन नंबर किस प्रकार से निकला सकते हैं। गाइस, अगर आपने भी किसी कंपनी में काम किया और आपका पीएफ का फंड कटता था, तो आप अपना पीएफ का पैसा किस प्रकार से निकलाएंगे। पीएफ का पैसा निकलाने से पहले आपको एक यूएन नंबर निकलाना पड़ता है। अब इस यूएन नंबर को हम किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से प्राप्त करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को क्लियर करने वाले हैं कि हम अपना यूएन नंबर किस प्रकार से निकला सकते हैं। गाइस, वीडियो में बने रहिए, हम आपको एक यूएन नंबर निकला के दिखाएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना, अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें। आपको सर्च करना है EPFO लॉगिन, जैसा कि यहाँ के आपको दिख रहा होगा। EPFO लॉगिन करने के बाद गाइस, आपको पहले में ही एक EPFO.gov.in का एक वेबसाइट दिख जाएगा, तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो EPFO का वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, अब हम इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको कि इसके बाद आपको करना क्या है। आपको एक यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा ऑनलाइन क्लाइम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र का। गाइज, आपको जस्ट इस पर क्लिक कर देना है, तो रीडायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे आपको इंटर कर देगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपने स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइज, आप इम्पोर्टेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे नीचे और थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको नाउ योर यूएन का। तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गाइज, आपको यहाँ पे 3 डॉट का एक आइकन दिखेगा, तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल का इंटरफेस बदल जाएगा, लैपटॉप या पीसी जैसा काम करने लगेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा समझने में आसानी होगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेम कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन दिख जाएगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ओके का ऑप्शन आएगा और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद जल्दी से आपको कैप्चा फिल कर देना है, यहाँ पे कुछ टाइमिंग रहता है। फिर से यहाँ वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी वैलिडेशन सक्सेसफुल। गाइज, आपको फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद गाइज, आपको यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पे नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स में 3 डॉक्यूमेंट्स आप अपना यूएन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेंबर आईडी से। तो चलिए, अभी हम अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर यहाँ पे इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा फिर से दिया गया, आपको कैप्चा फिल करना। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा शो माई यूएन का, तो गाइज आपको शो माई यूएन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूएन नंबर शो करने लगा। तो गाइज, इस प्रकार से आप अपना यूएन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, निकला सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपना यूएन नंबर निकलाना सीख गए होंगे। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो लेकर आते हैं। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।